अभी जो कल एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी इसमें हुई है अब्दुल्ला नामक व्यक्ति की, जो कि उमर गौतम का लड़का है और उसके बिहाफ पे उसका जो इस्लामिक दावा सेंटर है उसमें आने वाले फंड इत्यादि को मैनेज करता है। और अब तक की विवेचना से उमर गौतम की संस्था तथा कलीम सिद्दीकी की संस्थाओं को लगभग 100 करोड़ रुपए आना ज्ञात हुआ है, और जिसके बारे में कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है विवेचना एजेंसीज को, तथा अब्दुल्ला के पास से भी लगभग 75 लाख रुपए इसके अकाउंट में है, जिसमें से 17 लाख रुपए विदेशों से भी आया है। मूलतः ये जो पैसा प्राप्त करते हैं उसको मनमाने ढंग से खर्च करते हैं, और जो FCRA की नियम कानून है उसका पूरी तरीके से अनुपालन नहीं करते, तथा ये जो अब तक 17 व्यक्ति जो अवैध धर्मांतरण के दौरान और इस पूरे गिरोह के गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें से 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास से इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज ऐसे मिले हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि ये जैसे हिंसात्मक विचारधारा से पोषित हैं, प्रभावित हैं, और इस तरह के जो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके दस्तावेज भी उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मौजूद हैं। जैसा मैंने बताया कि ये लोग प्रभावित हैं, इस चीज़ पे काफ़ी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। ये जो फंड विदेशों से आते थे उसको मैनेज करता था, तथा ये भी चीज़ें आई हैं कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे थे किसी भी दबाव में या लालच में, उनको धर्मांतरण के बाद भी कुछ रेगुलर पैसे उनको दिए जा रहे थे ताकि ये वापस ना आए मूल धर्म में, या इस एक्सटेंड तक चले जाएं कि जिसके बाद से अगर वो चाहें भी तो नहीं आ सकते हैं, और तरह तरह के उनको धमकी देना या प्रलोभन देना, ये ऐसे पूर्व में ही बताया जा चुका है। तो इसमें काफ़ी गहरी विवेचना चल रही है, और आर्थिक विवेचना के कारण होने के कारण इसमें काफ़ी समय लग रहा है। गोमती का किनारा या सरयू का तट, इमामबाड़े की सीढ़ी या ताज की चौखट, बनारस की सुबह अवध की शाम, संगम किनारे जहां जुटते खासो आम, चाय की चुस्की में यहां सरकारें हैं बन जानी, भैया ये यूपी है यहां सबई है ज्ञानी, तो खबर चियो कौन हो जानकारी अब ना पाएगी अटक, देखो भैया यूपी तक।